हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? 16 तारीख को लास्ट गया था मैं एक्सरसाइज करने, मतलब वर्कआउट करने, और उसके बाद से घर में काम छिड़ गया, बिजी हो गया और कुछ मेरा आलस भी है, एडमिट करता हूँ। मैं जा नहीं पाया था, आज उठाऊँ बहुत मुश्किल से। अभी 7 बज रहे हैं और आंखों में अभी भी नींद है। तो चलो यार, सबसे पहले यूनिवर्सिटी चलते हैं। यूनिवर्सिटी बेसिकली वहाँ पे रनिंग का ट्रैक है, वॉक भी कर लेते हैं वहाँ पे। तो सुबह सुबह यार सबसे पहले गर्म पानी पीऊँगा, तो मैंने गर्म कर लिया। इससे क्या है ना यार, थोड़ा सा जो मोशन है वो सही हो जाता है। और एक चीज़ और बताऊँ, रोज सोचता हूँ कि पानी बैठ के पीऊँगा, अभी भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आलस में खड़े होकर ही पी लेता हूँ। ये कुछ ऐसी आलस की चीज़ें हैं, मतलब ये वीडियो मोटिवेट करने के लिए तो बिल्कुल भी है नहीं आप लोगों को, पर भाई कोई किस हद तक आलसी हो सकता है ये जानने के लिए है। और जब मैं इसे खुद देखूंगा ना, तो मुझे भी पता लगेगा कि भाई कहाँ कहाँ सुधारना है। भाई सुबह सुबह 15 दिन बाद क्या बढ़िया लग रहा है निकलने के बाद। आज तो वैसे भी मैंने गर्म वाली जैकेट पहनी है, जो अपर होता है, मौसम चेंज हो रहा है ना, ठंड ना लग जाए या फिर तबीयत ना बिगड़ जाए। वैसे भी कहीं को वायरल हो रहा है भैया, कोई वायरल हो गया। सूरज देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और भैया केदारनाथ घूम के आए, कैसे रहे दर्शन आपके? बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास, अच्छा लगा। ट्रैकिंग हर कोई कर सकता है? हर कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ट्रैक बहुत लंबा है, 21 किलोमीटर का ट्रैक है जाने जाने का। क्या बोलोगे, टफ या मतलब मीडियम? मतलब मेरे लिए तो थोड़ा टफ था, लेकिन है वैसे मीडियम। और कितने किलोमीटर का है टोटल? 242 किलोमीटर का। वाह, आपकी तो बढ़िया वॉकिंग हो गई। हाँ। पैरों में दर्द है? हल्का हल्का है, पर सही कर दिया आपने। हाँ। सेम डे नहीं, एक दिन रेस्ट करा 21 किलोमीटर चलने के बाद, नेक्स्ट डे फिर आया। वाह भाई वाह। तो भाई टोटल 21 किलोमीटर का ट्रैक एक साइड से। हाँ। भाई बहुत सही है यार, भैया ने सही हिम्मत मार दी। 1 hour later तो भाई वर्कआउट जो है वो फाइनली डन हो गया है इतने टाइम बाद। 4 किलोमीटर मतलब 4.80 समथिंग है, साइड में आप देख लो इतना मैंने वॉक किया है। मूव सर्किल जो है ना, जो कैलोरीज वाला है, वो तो पूरा हुआ नहीं है, पर ठीक लग रहा है। ठीक तो लगता ही है यार, बट आलस बहुत है यार, आलस के चक्कर में सब छूट जाता है। पटवे क्या चल रहा है? सही है, पटाखा छोड़ना इससे, ट्राई करना ऐसे ब्रेक दबा के, आई थिंक शायद रेस ज़्यादा दी जाती है। चलो यार पटाखा नहीं छुटला। तो यार चलो अपनी कर्मस्थली पे घूम के आते हैं, बेसिकली काम निपटा के आते हैं। और यहाँ पे ये जो मार्केट है ना, तो अभी देखना आप लोग मेरे अब यहाँ पे मुड़ते के साथ ही, इतना रश वाला मार्केट है ये, पूरे खाने पीने का सामान और सब चीज़ें यहाँ पे, भाई हर तरह का आइटम खा पी लो। और गोलगप्पे तो बहुत टेस्टी है यहाँ पे। साइड में ये वो है सूरज कुंड पार्क है, और यहाँ पे कहते हैं वो कुछ रावण से लिंक है, ये कभी स्टोरी बताऊँगा है ना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, या फिर आप पढ़ के देखना मेरठ का सूरज कुंड पार्क क्या हिस्ट्री है उसकी। और बाकी मैंने मार्केट आपको दिखाया था, तो भाई मैं आज बड़े दिनों बाद आया हूँ पापा की दुकान पे। और हाँ पापा, क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सजा रखा है आपने पूरा? लग रही है बहुत अच्छे यार, बिंदी जो भी है। तो मैंने कहा चलो आज, वैसे जनरली मैं कम ही आता हूँ, पर मैंने कहा चलो यार आज पापा की दुकान पे होके आते हैं। काफ़ी देर बैठा मैं आज पापा की दुकान पे, बड़े लंबे टाइम बाद आया था तो बड़ा अच्छा भी लगा। और पापा कई बार कहते रहते हैं कि टाइम निकाल के आ जाया कर, लेकिन मैं यार नहीं आता, फुर्सत नहीं मिल पाती। तो बस अब यहाँ से भाई चलते हैं। चाय बना रहा है? चाय आप बना दो। तू एक काम कर, बताओ फटाफट गैस जला। ठीक है। पानी डाल, उसमें अदरक डाल। अच्छा। और चीनी पत्ती डाल के जैसे उबल जाएगी ना, दूध डाल देना बस। चाय चिल्ला बना रही हूँ आके। और क्या बचा, कुछ और बता दो, और कुछ डालना है? छान के लाऊंगी ना। नहीं कुछ और डालना हो तो बता दो, आप बना रहे हो ना चाय? नहीं बस फिर बाकी मैं बना लूंगी। अच्छा, मतलब गैस पे पानी रखूं? अदरक डाल दे, घिस के डाल। अच्छा अच्छा आता है उसका। अच्छा,
और बस चीनी पत्ती डाल देना, हाँ। तेरा थोड़ा चीनी का टेस्ट ऐसे रहता है ना, अपने अकॉर्डिंगली डाल लेना, हाँ। और दूध डाल लियो, वेरी गुड। और बस फिर गैस पकनी छोड़ देना, फिर मैं आ रही हूँ, फिर मैं बना रही हूँ चाय। आप बना रही हो मतलब? चाय मैं बना रही हूँ। इतनी टेस्टी? हाँ ऐसे टेस्टी बनती है भाई साहब। वो थोड़ा सा तेरा रहता है, ये भी घर चीनी कर दी है, मतलब सब चीजें, फिर बाकी अच्छी चाय मैं बनाऊंगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। देख रहे हो यार कमाल है ये, हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी मम्मी अभी ऐसे करती हैं या नहीं करती हैं। और कुछ? और कुछ? मम्मी किसकी क्या नहीं करती, अगर मैं नहीं सिखाऊंगी तो कैसे काम चलेगा। अरे मतलब तू अरे मैं बना रही हूँ तो सीखने वाली बात कहाँ से आ गई? दूसरे तरफ मैंने यही तो कहा है कि बेटा बजरा सा वो रख के उस पे गैस पर, और चाय आप बना रही हो? चाय मैं बना रही हूँ। अब इसमें तो कोई ऐसी बात मैंने, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तालियां। और तो मैंने इसमें क्या कह दिया? ओए यार भाई, तूने कहा मम्मी बढ़िया सी चाय बना दो, बहुत अच्छे मम्मी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मजा आ गया सुन के। आपके हाथ की चाय पीने का मन था? था, अभी तो बनी भी नहीं है। ओए यार शिट, तो भाई चाय मम्मी तो क्या बनाएंगी, मुझे ही बनानी पड़ रही है। ये देखो आ गए आप किचन में, हैं? जाऊं मैं अंदर? यार मम्मी ऐसे क्यों करती हो? मेरा तेरे हाथ की चाय बनेगा और मेरा आपके हाथ की मन था, मतलब नाश्ते पिला दूंगी। यार